मेरा नाम है श्वेता बासु प्रसाद और मैं द ताशकंद फाइल्स में रागिनी फुले नाम की एक पत्रकार का किरदार निभा रही हूँ। रागिनी एक रूकी जर्नलिस्ट, जब आप फिल्म शुरू करेंगे तो देखेंगे कि एक यंग एम्बिशियस लड़की जो अपना अभी 2-4 साल पहले शायद उसने जर्नलिज्म शुरू किया होगा और वो स्कैंडल्स लिखती है, स्कूप्स लिखती है और वो सारे न्यूज़ इकट्ठा करते जो शायद फेक न्यूज़ भी हो, फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट्स हो और हेडलाइंस बनाती है। जब तक उसके पास एक ऐसी फाइल आती है द ताशकंद फाइल्स जिसमें उसको एक नया सब्जेक्ट मिलता है दैट हु किल्ड शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी 53 साल पहले जो रहस्यमयी मृत्यु हुई थी उसके बारे में वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और उसके बाद वो इतनी ऑब्सेस्ड हो जाती है। सो एक पूरा ग्राफ है जहाँ पर वो उसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है तो वो उसको इन्वेस्टिगेट करती है, अपनी तरफ से रिसर्च करती है, फिर एक इंक्वायरी कमीशन बैठती है, वो उसका हिस्सा बनती है और लास्ट में उसको ये समझ में आता है कि ये सब्जेक्ट के परे भी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज डेमोक्रेसी में जो सबसे फंडामेंटल राइट होता है किसी भी सिटीजन का, वो ट्रूथ होता है, वो सच जानना होता है। तो वो उसकी लड़ाई लड़ती है रागिनी, क्योंकि पत्रकार है इसलिए वो हमारे लोकतंत्र का जो डेमोक्रेसी का जो हम चौथा स्तंभ कहते हैं, द फोर्थ एस्टेट, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया, उसे रिप्रेजेंट करती है, हमारी हम सभी को एज ए यूथ रिप्रेजेंट करती है। और यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग हैं ऑडियंस में जो सच जानना चाहते हैं, जो शास्त्री जी को याद करते हैं, उनकी उनकी उनके बारे में जानते हैं और उनके बारे उनके मृत्यु से जुड़े जितने भी उनके सवाल हैं उनके जवाब जानने के लिए वो ताशकंद फाइल ज़रूर देखें। मैं एक हिस्टोरियन की भूमिका निभा रही हूँ इसमें। इस कैरेक्टर का नाम है आयशा अली शाह और बहुत ही एंटाइटल्ड सी औरत है ये, और चूँकि हिस्टोरियन है, ऑथर है, तो जो पॉपुलर नैरेटिव है हमारे देश में कि शास्त्री जी की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, उसी पे वो विश्वास करती हैं। शायद वही उन्होंने ही ये लिखा है कि वो हार्ट अटैक से नहीं रहे, तो इसकी वजह से अपना पॉइंट वो लेके फिल्म के आखिर तक बहुत ज़्यादा तंग करती है सबको, तंग करती है, बहुत ही माइल्ड वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, नाक में दम करके रखती है सबके, और बहुत ज़्यादा नास्टी औरत है, बुढ़ी है तो इसलिए अपनी ही इसमें रहती है, नवाबी ठाट में रहती है, ज़रा क्रिपल हैं, व्हीलचेयर पे है, तो इसकी वजह से वो और थोड़ी सी एक जो एक फ्रस्ट्रेशन रहता है अंदर की सब लोग चल फिर पा रहे हैं और एवरीबडी इज़ गोइंग अबाउट देयर वर्क, मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो एक कहीं पे एक फ्रस्ट्रेशन है थोड़ा सा, वो भी निकल के आता है हर चीज़ में। तो इस तरह का कैरेक्टर है और मैं बहुत बुरा सलूक किया है मैंने रागिनी फुले के साथ पूरी फिल्म में बेचारी और पूरी फिल्म में मैं कहीं हंस नहीं पाई बिल्कुल, मेरा प्लेजेंट फेस हंसती नहीं, मैं तो मतलब मैं हंसती ही रहती हूँ, जब कोई वजह नहीं होती तब भी हंसती रहती हूँ मैं, और मुझे मतलब बिल्कुल पाबंदी थी मेरी हंसी पे। तो इस तरह का है किरदार। और जैसे आपने देखा एक कॉन्फ्रेंस बैठी है वहाँ पे, कमेटी बैठी है, तो कमेटी जाहिर सी बात है कि जब कमेटी तभी बैठेगी जब उसमें दो वॉरिंग पार्टीज होगी, कुछ लोग जो समझते हैं कि इसमें कोई रहस्य था उनकी मृत्यु में और कुछ जो समझते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है और ये नहीं हुआ, तो ये दो पार्टीज़ के बीच का जो पूरा डिस्कशन है उसमें से आई बिलोंग टू द ग्रुप विच हैज़ डिसाइडेड कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है और इसमें कुछ है नहीं, फालतू की बकवास है ये, और उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। देखिए चूँकि हम कोई जज नहीं हैं, हमारे हाथ में वो लीगल पावर्स नहीं हैं, हम वी आर नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, इसलिए एक जो कैसे क्या कहते हैं पत्थर की लकीर जो सत्य बन जाती है वो हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो लीगल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लीगल राइट नहीं है हमारा ये कहना, क्योंकि ये लीगली बात अभी तक साबित हुई नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचाना लोगों का हमारा काम है और वहाँ तक हमने पहुँचाया है उनको विद फैक्ट्स, विद आर्ग्यूमेंट्स, विद डेलिब्रेशंस, आगे उसको और ले जाना लीगल रूट से, उसको ओपन करना, फिर ये हमारे युवा का काम है, हमारे गवर्नमेंट का काम है, हमारे आप जैसे जर्नलिस्ट्स का काम है। आई थिंक इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत यही होगी कि अगर इस फिल्म को देखने के बाद जो हमारी ऑडियंस है, सिटीजन्स है, वो इस पर आवाज़ उठाएं और इसके ऊपर
सवाल उठाएं और इसके बारे में इसकी इंक्वायरी कमीशन की डिमांड करें, और अगर सच में जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि कमेटी बैठती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए शास्त्री जी की इस केस को कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं है या जो भी उसका जो क्लोजर है उसके लिए, चाहे वो हार्ट अटैक ही क्यों ना हो, जो भी हो, लेकिन वो सच सामने आ जाए, आई थिंक दैट विल बी द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ ऑफ द फिल्म. जी, क्योंकि फिल्म को तकरीबन 3 साल हो गए हैं, मतलब स्ट्रगल करके आप फाइनली फिल्म को ये डेट आई है, तो इन 3 सालों में आप लोगों को कितना इंतजार था कि यार ये फिल्म आनी चाहिए जो हमने बहुत ही मेहनत. मैं तो 1 साल से जुड़ी हूँ. हाँ, श्वेता तो जब हमने फिल्म लास्ट ईयर शूट की तो उसके बस 1 या 2 महीने पहले से श्वेता हैज़ बीन ऑन बोर्ड. हम जो उसका रिसर्च कर रहे थे उसमें हमें 1.5-2 साल लगे थे. तो इट हैज़ बीन अ फैसिनेटिंग जर्नी. और मैं मतलब हम लोग इतना ज़्यादा इस विषय में इन्वॉल्व हो चुके थे कि हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा था कि शास्त्री जी हमारे परिवार का एक हिस्सा है. जैसे हम अपने पिताजी के बारे में दिन में 4 बार बात करते हैं कि अरे उनको चाय देनी चाहिए, उनकी दवाइयाँ दी के नहीं, वो नहाए के नहीं, वो सोए के नहीं ढंग से, वैसे ही हम शास्त्री जी के बारे में डिस्कशंस कर रहे थे. पूरा समय हम लोग ऑफिस में यही चर्चाएं हो रही थी. तो इसलिए जब हम लोग ट्रेलर लॉन्च पे जब उनके परिवार से मिले तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम शास्त्री जी के परिवार से मिल रहे हैं. कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है वो, क्योंकि हम इतना जिए हैं उनकी पूरी जीवनी के साथ, इतना पढ़ा है उनके ऊपर. तो एक तरह से अपने आप को हम लोग चूँकि इस प्रोफेशन में हैं तो एक ये एडवांटेज है हमें कि हम किसी भी तरह की अगर रिसर्च में हम लोग जब निकल पड़ते हैं उसकी राह पे, तो वो पूरी तरह से जब तक पूरा पी नहीं जाते हम एक एक चीज़ उसका पूरा निचोड़ नहीं निकाल लेते तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं. तो बहुत फैसिनेटिंग रही है जर्नी, बहुत इमोशनल जर्नी भी रही है, क्योंकि ये कहीं कहीं पर मतलब मैं तो ऑफिस में कई बार रोई हूँ जब कोई डिस्कशंस होते थे. और मुझे ऐसा लगता था कि किस समय से हम गुजर चुके हैं कि उनके परिवार को आज तक नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ. सोचो कल हमारे साथ ये हो जाए तो. शास्त्री जी के बाद 12 दिन के अंदर अंदर उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो शुरू किया था, 12 दिन के अंदर अंदर होमी भाभा का प्लेन आल्प्स में गायब हो जाता है, उस प्लेन की डेबरी नहीं मिलती और वो एक पैसेंजर प्लेन था. तो अगर होमी भाभा को मारने का षड्यंत्र था तो उनके साथ वो जो इनोसेंट पैसेंजर्स मरे उनका क्या, कौन है वो? वो कोलैटरल डैमेज है. तो क्या आपकी और मेरी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि कल को किसी और को ऐसे ही अगर ख़त्म करना हो किसी को तो आप और मैं उस प्लेन में बैठे और आप और मैं कोलैटरल डैमेज बन जाए? इतनी सस्ती तो नहीं हो सकती हमारी ज़िंदगी. तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इसके बारे में काम करना था, इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी था. और चूँकि किसी ने किया नहीं और हमारे पास ये अगर मौका हमें मिला है तो वी डिसाइडेड टू गो फुल फोर्स. एंड इट्स स्ट्रेंज कि 53 ईयर्स में ये ऐसी फिल्म या ऐसी डिस्कशन कभी बनी नहीं. आई मीन मैम ने शायद पिछले किसी इंटरव्यू में कहा था दैट इट्स अ मिक्स्ड इमोशन दैट वी आर हैप्पी दैट वी आर डूइंग दिस बट वी आर ऑल्सो सैड कि किसी ने किया नहीं आज तक. 53 साल एंड दैट्स अ लॉन्ग टाइम. और जैसे श्वेता एक सवाल पूछती है उसमें वो युवा नेता जो है हमारे इसमें फिल्म में, वो कहते हैं कि ये शांति और अहिंसा का देश है, ये गांधी और नेहरू का देश है, तो ये पूछती है शास्त्री का क्यों नहीं है. अब देखिए गांधी जी पे कितनी फिल्में बनी है जो कि सही है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, बननी चाहिए उनके ऊपर फिल्में, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं के ऊपर फिल्में बननी चाहिए? और भी जो हमारे लीडर्स हैं, और अगर ये इतना बड़ा रहस्य अगर किसी चीज़ को लेके है तो पिछले इतने सालों में हमने ना डॉक्यूमेंट्रीज बनाई ना फिल्म बनाई. अभी कुछ 4-5 साल से शास्त्री जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनने लगी हैं, अभी तक तो कुछ भी नहीं बन रहा था. तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं काफ़ी. एंड श्वेता जी, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं तो किस तरह के, जैसा कि पल्लवी जी ने भी बताया, और किस तरह के सवाल पूछते हुए नजर आएंगे आप हमें इस फिल्म में? हम तो फिल्म देखेंगे तो हमें पता चलेगा, तो आप बताइए जरा. जी, क्योंकि मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई भी की है. जी, मैं BMM ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे लिए इस फिल्म में ढलने में, इस किरदार में ढलने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा. और क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, कॉलम्स लिखती थी, तो मुझे रागिनी का जो जर्नी था, जो रिसर्च, वो समझ में आया था. बट उसने जो सवाल उठाए हैं वो तो रागिनी उठा रही थी, लेकिन एज श्वेता, एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं खुद मतलब जितने इसमें स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, एक एक सीन पढ़ रही थी,
मैं इतनी शॉक हो रही थी कि इसके बारे में तो होता है ना, एक रिकॉल आता है कि हाँ ये तो स्कूल में पढ़ा था हमने, ये हिस्ट्री, अच्छा ये तो जय जवान जय किसान, राइट, दिस इज़ शास्त्री जी स्लोगन. अगर 2 अक्टूबर का भी एक रिकॉल आता है, वाइट रेवोल्यूशन के बाद मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे नहीं पता था दैट शास्त्री जी ने शुरू किया था, यह तो न्यूक्लियर पावर, किसी को नहीं पता था ये, एंड क्योंकि क्रेडिट किसी और को ही जाता है, या नोबडी, ये डिस्कशन ही नहीं है इसके बारे में. तो शी रेजेस बहुत सारे क्वेश्चंस वो उठाती हैं, और जो आप जब फिल्म देखेंगे, आप जब आप देखेंगे पूरी फिल्म में ही वो माहौल ऐसा क्रिएट होता है कि आपके मन में ये शायद बहुत सारे सवाल हैं जो शायद कॉन्शियसली आप सोचते नहीं उसके बारे में, लेकिन अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आप सोचते हैं. उन सारे सवालों को उठाया गया है और उन सवालों का जवाब उन्हें देने की भी कोशिश की गई है, और आप जब फिल्म देख लेंगे तो आपके कई सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे. एंड लुक एट द ग्रेटनेस ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर, वो सिर्फ 11 महीने रहे ऑफिस में, उन्हें ज़्यादा वक्त भी नहीं मिला एज अ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसमें उन्होंने हरित क्रांति वो ले आए, श्वेत क्रांति वो ले आए. आज हमारा देश पूरे विश्व में एक पहले नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूसरे नंबर पर है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, जबकि एक टाइम पे जय जवान जय किसान नारा इसीलिए दिया गया था कि एक समय ऐसा था जब हमारे अपने लोगों को खाना कम मिल रहा था, हमारे पास इतनी उपज ही नहीं थी, इतनी खेती ही नहीं होती थी कि हम अपने लोगों का पेट भर सकें, और जो इम्पोर्ट कर रहे थे हम, वो इतना थर्ड क्लास क्वालिटी का हमको ग्रेन सप्लाईज मिल रहे थे. उस वक्त पे शास्त्री जी ने पूरे देश में ये कहा था कि आप लोग एक दिन का व्रत रखें अगर, तो किसी एक भूखे का पेट भर सकता है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल फॉलोड हिम. तो ही गॉट टू, ही ब्रॉट अबाउट 2 revolutions, अ ग्रीन रेवोल्यूशन, अ वाइट रेवोल्यूशन. ही कॉल्ड फॉर यू नो नेशन वाइड फास्टिंग. पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 65 में वॉर जीता ऑन द बैकग्राउंड ऑफ अ वेरी वेरी शेमफुल डिफीट इन द 1962 वॉर. इतना सब करने के बाद वो जब ताशकंद पहुँचे वो अग्रीमेंट, पीस अग्रीमेंट साइन करने के लिए, तो मरने के चंद मिनट पहले उन्होंने अपनी पत्नी से बात की और उन्होंने कहा कि मैं कुछ ऐसी खबर लेके आ रहा हूँ तुम्हारे लिए और सब पूरे भारत के लिए कि लोग ये सब भूल जाएंगे कि हमें लाहौर वापस देना पड़ा, ये जो युद्ध विराम लगा था यूएन की तरफ से वॉर के वक्त, तो ये सब लोग भूल जाएंगे, मैं ऐसी खबर लेके आ रहा हूँ. वो खबर क्या थी आज तक किसी को पता नहीं. हमने देखा कि जब भी एक मल्टी स्टार फिल्म होती है तो बहुत ही जो कैरेक्टर है तो उभर के आना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली जब सभी कलाकार थिएटर आर्टिस्ट हो, कि मोस्ट ऑफ ऑल इसमें जो भी थिएटर आर्टिस्ट नहीं, मोस्ट ऑफ ऑल जो भी इसमें है सब थिएटर आर्टिस्ट हैं, जैसा सो मच मोर देन दैट, जैसा पंकज त्रिपाठी हो गए, नसीरुद्दीन शाह हो गए, तो बहुत सारे कैरेक्टर ओवरशैडो हो जाते हैं. तो उसके ऊपर क्या कहना, बहुत सारे आर्टिस्ट भी है हमारे बॉलीवुड में जो ये मानते हैं, सो आपका क्या टेक है? देखिए, अगर आपकी स्क्रिप्ट सही लिखी गई है तो कैरेक्टर्स एक दूसरे को ओवरशैडो नहीं करते, एक्टर्स करते हैं. और एक्टर्स के अंदर, चूंकि मैं खुद एक एक्टर हूँ, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताती हूँ कि एक कंपटीशन रहती है हमारे अंदर कि हम सामने हमारा कोई अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मैं उससे बढ़कर परफॉर्म करूँ, वो अगर कुछ कर रहा है तो एक हाथ से कर रहा है तो मैं दो हाथों से करूं, किसी तरह से मेरा परफॉर्मेंस उसकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छा हो. ये एक बहुत नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन चूंकि हमने ये एक, मेरे ख्याल से एक ऑनेस्टी जब किसी प्रोजेक्ट में जुड़ी होती है ना तो वो सबको समझ में आती है, सब लोगों ने वो ऑनेस्टी को एब्जॉर्ब कर लिया था. तो इसलिए हमने सबसे पहले वेरी अनलाइक नॉर्मल फिल्म मेकिंग, हमने इसकी वर्कशॉप करी और हमने पहले स्क्रिप्ट रीडिंग की, उसके बाद हमने कैरेक्टर्स के ऊपर हमने डिस्कशन शुरू किया. हर एक आदमी ने, आर्टिस्ट ने अपना कैरेक्टर समझा, फिर घर पे चले गए वो. दूसरे दिन जब हम वापस मिले तब तक वो काफ़ी सारा सोच के आए थे उसके ऊपर, और ना सिर्फ अपने कैरेक्टर पे बल्कि सामने वाले के कैरेक्टर पे भी सोच के आए थे. तो ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि ये थिएटर एक्टर्स होने की वजह से एक जो टीम वर्क होता है ये सबके अंदर भरा हुआ है, और एक दूसरे की मदद करना. कहीं कहीं बहुत बार ऐसा भी हुआ कि ये क्यों नहीं करते तुम, बोल दो ना, मुझे स्नैप कर दो, रोक दो मुझे बीच में, डोंट लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, ऐसे करके कितने लोगों ने अपने आप के लाइनों को कट करने के लिए ऑफर किया, जबकि सामने वाले लोग एक्चुअली लाइन खाने की कोशिश करते हैं. लेकिन यहाँ ठीक उसके विपरीत हमें अनुभव रहा, और इट वॉज अ प्लेजर, इट वॉज सच अ गुड, दिस वॉज अ ड्रीम टीम. मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना मजा आएगा,
और ये देखिए सभी एक्टर्स ऐसे हैं, मिथुन जी के साथ तो मेरी दूसरी फिल्म है और नसीर अंगल के साथ तीसरी फिल्म है, इन सभी के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ जो दूसरे कलाकार हैं। आई वॉज लाइक अ फ्लाई ऑन द वॉल, मैं इन लोगों को वो एलिस इन द वंडरलैंड ही बोलते हैं, तो मेरे लिए वैसा था ये दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो सब एकदम। हाँ, पहले तीन चार सीन के लिए, उसके बाद व्हेन शी टुक ओवर हमारी बोलती बंद हो गई। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं कि इनको अगर आप बैठ के बस ऑब्जर्व भी करेंगे तो आप 10 नई चीज़ें सीख लेंगे, इनकी डिसिप्लिन हो या ये किरदार में किस तरह से इन्वेस्टेड होते हैं, कब सवाल पूछना है और कैसे डायरेक्टर का जो जो इंस्ट्रक्शन है वो लेना है, सुनना कैसे है, वो छोटी छोटी चीज़ें, उनके मैनरिज्म, उनकी पंक्चुअलिटी, उनकी प्रोफेशनलिज्म, अपने स्क्रिप्ट में भी कहाँ वो पेन यू नो वो मार्क करते हैं, क्या मार्क करते हैं, क्या एडिशन करते हैं, इतना कुछ सीखने को मिला मुझे। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ना सिर्फ एक अमेजिंग प्रोजेक्ट था क्योंकि इसकी यूनिकनेस की वजह से इस सब्जेक्ट सेंसिटिव है, बट एज एन आर्टिस्ट आई हैव ग्रोन सो मच, आई थिंक आई हैव इवॉल्व्ड सो मच आफ्टर वर्किंग ऑन दिस। ओके आजकल क्योंकि शास्त्री जी पर फिल्म है एंड अब 12 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, बहुत सारी बातें हुई वर्कशॉप पर, देन आप लोगों ने ये फिल्म बनाई, उनकी कोई ऐसी क्वालिटी जो आप लोग को पर्सनली बहुत ही पसंद आती हो? सिंपलिसिटी, डेफिनेटली सिंपलिसिटी। क्वालिटीज तो उनकी बहुत हैं जो कि हम मतलब क्या कहते हैं, जिसकी प्रशंसा कर सकते हैं हम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पे भी इतनी इवॉल्व्ड हूँ या इतने इतना बड़ा दिल है मेरा कि उनकी कोई भी क्वालिटी मैं इम्बाइब कर सकूँ। मैंने अगर सोचा भी तब भी मैं उन्होंने खुद खेती शुरू की थी पीएम हाउस में, कौन कर सकता है ये मुझे बताइए। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी पत्नी को खादी पहनने के लिए कहा क्योंकि वो गांधीयन थे पूरे, ये भी कौन कर सकता है। आज तो हम चकाचौंध में लगे रहते हैं, आज ये कपड़े पहनूं तो कल उस डिज़ाइनर को पहनूं, ये संभव नहीं है करना। एक दिन पूरा अगर आप आपके देश के लोग भूखे हैं तो उसके लिए आपने एक ही बार आपने खाना खाने की सोचा और पूरे देश को ये कहा कि हफ्ते में बस एक बार आप खाना मत खाओ, मैं तो दिन में एक बार नहीं खाऊँगा, ये कोई नहीं कर सकता आज की दुनिया में। आपको पता है जब वो पीएम थे उन्होंने अपनी गाड़ी लोन में खरीदी थी, लाइक इट्स अनहर्ड ऑफ, उन्होंने लोन पे ली थी अपनी गाड़ी जो अभी भी शास्त्री मेमोरियल में दिल्ली में किश्तें चुका रहे थे उनकी, उनकी डेथ के बाद भी उसकी किश्तें उनकी फैमिली चुका रही थी। कैन यू बिलीव दैट। और मैंने एक जगह पर कहीं पर पढ़ा था कि शायद वो कुलदीप नैयर जी के साथ थे और वो रेलवे फाटक नहीं होता है वहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी थी और उन्होंने गन्ने का जूस का जो स्टॉल नहीं होता उन्होंने देखा, उन्होंने बोला चलो, कुलदीप नैयर ने बोला अरे आप प्रधानमंत्री हैं, अरे ही सेड लेट्स गो फॉर इट, और अभी और गए और वो वहाँ पर उन्हीं के ग्लास में और उन्हीं से वो शरबत पिए और फिर अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। तो ये तो मतलब ऐसी क्वालिटीज़ है जो हम देखते हैं कि हम सब यू नो एंटोराज के साथ घूमते हैं और एक छाता पकड़ता है, एक जूस पिलाता है और एक बूट्स खोल रहा है और एक पफ मार रहा है, तो मतलब ये देखने के बाद तो उनकी सिंप्लिसिटी ऐसी है कि मतलब आप बस सीख ही सकते हैं और आई थिंक लाइफ लॉन्ग बस सीखते ही रहेंगे। उनके एक एक ऐसे जो मैंने दो बोले हैं, ऐसे कई किस्से हैं उनके, तो ये तो बस हम सीखते ही रहेंगे और शायद शायद कभी वैसे ही उतने सिंपल और उतने डिसिप्लिन्ड अपनी लाइफ में हो सके। वो ताशकंद जब गए थे इस जब उनकी डेथ हुई ताशकंद में, उससे पहली बार जब वो ताशकंद गए थे तब बहुत वहाँ तब भी वो सर्दियों में ही गए थे, तो वही अपना वो कुर्ता और धोती पहन के गए थे वो, तो तब नेहरू जी जिंदा थे जब वो गए थे, तब उन्होंने नेहरू जी ने उनको कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, वहाँ तो इतनी कड़ाके की ठंड है, आप तो मतलब ठिठुर जाएंगे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो आदत है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। तब नेहरू जी ने उन्हें अपना एक ओवरकोट दिया था। हाँ, और वो ओवरकोट आज भी वो शास्त्री म्यूजियम में है रखा। अच्छा। हुआ और वही पहन के वो दूसरी बार 66 में भी तभी 66 में जब वो अग्रीमेंट साइन करने गए थे वो वही कोट पहन के गए थे, उतना ही एक कोट था उनके पास और उनकी टांगे फिर भी खुली ही रहती थी धोती के अंदर से। दिस इज अनहर्ड ऑफ, ये तो हो ही नहीं सकता आज के ज़माने में। ओके, रैप अप करने से पहले एक आखिरी सवाल, क्योंकि आजकल नेहरू जी गए थे इंडिया पाकिस्तान की शांति के लिए, शास्त्री शास्त्री हाँ शांति के लिए गए थे कि शांति रहे, अब प्रेजेंट टाइम में जो हाल है इंडिया पाकिस्तान के, आप लोग कैसे देखती हैं, आप लोग देखते हैं आप लोग हालात कहाँ बदले हैं? हाँ वो तो है, वो तो मतलब देखिए जब उनकी ऐसी वो शर्मनाक हार हो गई थी 65 में, उसके बाद उन्होंने वापस सर उठाने की कोशिश की 71 में, हमने तो बांग्लादेश बना दिया आधे पाकिस्तान का।
और उसके बाद इतनी उसके बाद वो ज़रा उनकी जो पूरी क्या कहते हैं मोडस ऑपरेंडी थी वो उन्होंने थोड़ी बदल दी और फिर वो उसका थोड़ा सा घिनौना रूप हो गया और उन्होंने टेररिज्म शुरू किया. इट डिडंट स्टॉप एट वॉर आफ्टर दैट. वॉर में फिर भी ये होता है कि दो देशों के सैनिक आपस में लड़ते हैं तो चलिए इट्स स्टिल अ मैटर ऑफ प्राइड, पर ये बहुत गंदगी उन्होंने शुरू की है. वेयर दे स्टार्टेड टारगेटिंग इनोसेंट पीपल और बहुत ही घिनौने लेवल पर ये वॉर आ चुकी है अभी. लेकिन फिर भी हमारे देश की सेना है, सक्षम है, हमें पूरा भरोसा है, हम उनके साथ हैं. फाइनली फिल्म रिलीज हो रही है 12th ऑफ अप्रैल को, सो आप लोगों की तरफ से एक ब्यूटीफुल मैसेज. ये फिल्म देखिएगा. इतनी सारी चर्चा हुई है तो मैं अभी दोबारा ये सब रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन आप देखिए शास्त्री जी के लिए ये फिल्म ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका जैसे हमने अपना कर्तव्य निभाया है ये फिल्म बना के, अभी आपका कर्तव्य है कि आप ये फिल्म देखें और इसके ऊपर सवाल उठाएं और आप यू मेक श्योर दैट द ट्रूथ कम्स आउट बिकॉज इट्स योर राइट टू ट्रूथ. थैंक यू जी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.